गांव के सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं और वो जो आदमी यानी कि दक्ष राणावत, जो कि बहुत खतरनाक क्रूअल हार्टलेस माफिया है जिससे पूरी दुनिया कांपती है, और दक्ष किसी से नहीं डरता, अगर कोई उसके सामने आए वो पल में जान ले लेता उसका, उसे किसी की कोई परवाह नहीं है और मरते हुए को देखना उसे बहुत पसंद है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए उन सब गांव वालों को देखा और कहा, मैं इसे ले जा रहा हूँ वरना तुम सब मरोगे। ये सुन के गाँव वाला में से ही एक बोला, ऐसा तुम नहीं कर सकते, और कुछ बोलता वो गांव का सरपंच उसे पीछे कर लेता है और कहता है, देखो हमें मंजूर है, वैसे भी एक लड़की के लिए पूरे गांव को तो हम तबाह नहीं होने दे सकते, सब कुछ ठीक है, बस हमारी एक शर्त है जो कि है तुम इस लड़की को ले जा सकते हो, पर इससे तुम्हें शादी करना होगा, वो भी पूरे रीति रिवाजों से। ये सुन के दक्ष बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है नो प्रॉब्लम, इसमें कौन सी बड़ी बात है, शादी ही तो करना है, मैं कर लूँगा, चलो तैयारी करो, मुझे अभी शादी करना है, इसी वक्त इसी जगह पे। ये सुन के सरपंच बोलता है, हमारे इस गांव में एक बहुत ही पुराना माँ देवी मनसा का मंदिर है, वहाँ पे ही तुम्हें शादी करना है इस लड़की के साथ, वो भी पूरे रीति रिवाजों से। ये सुन के दक्ष बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहता है, ओह नाइस, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, चलो करते हैं, चलो चलो सब गांव वालों जल्दी चलो और जल्दी जल्दी हम दोनों की शादी करवाओ। ये सुन के सुगंधा की माँ चिल्ला के कहती है, पर मेरी बेटी तो बेहोश है, हम ऐसे खतरनाक आदमी से हमारी मासूम सी फूल सी बच्ची की शादी कैसे करवा सकते हैं, ज़रा रहम कर मेरी बेटी के ऊपर, बहुत मासूम है, आप सब तो उसे जानते हो, बचपन से खेलते कूदते देखा है, उसका सपना है डॉक्टर बनने का, और ऐसे कैसे आप सब तोड़ सकते हो उसका सपना। ये सुन के सरपंच गुस्से के साथ कहता है, आराधना चुप करो तुम, और हम ये सब गांव की भलाई के लिए ही कर रहे हैं, वरना तुम्हारी बेटी के लिए पूरा गांव तबाह बर्बाद हो जाए, ये हम नहीं चाहते, इसलिए चुपचाप बात मान जाओ वरना तुम सबके साथ बुरा होगा। ये बोल के वो सरपंच दूसरी ओर मुड़ जाता है और एक गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि उस सरपंच ने सोचा था सुगंधा की शादी अपने बेटे से करवाएंगे, पर उनका ये ख्वाब ख्वाब ही रह गया, इस खतरनाक आदमी ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। इधर दक्ष सुगंधा के सर पे हाथ रखता है और बालों को खींचता है, सुगंधा होश में आ जाती है और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगती है, मामा पापा, सुगंधा ज़ोर ज़ोर से सांसें लेते हुए बोलती है। इधर दक्ष तो उसके मीठी सी आवाज़ में ही खोया था, दक्ष बड़े ही शायराना अंदाज में बोलता है, ये जो तुम्हारी मीठी आवाज़ है, कब तुम्हारे आवाज़ का घुट में पी जाऊं और तुम्हें खा जाऊं, मुझे पता नहीं, पर मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। ये बोल के दक्ष हंसने लगता है। इधर सुगंधा को दक्ष की एक भी बातें का सर पैर तक समझ नहीं आ रहा है कि ये आदमी कहना क्या चाहता है। ये आदमी ये सब सोच के वो डरते डरते कहती है, ये आप क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, जाने दो, ये ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मुझे जाने दो, मुझे मेरे सपने पूरे करने, मैं जानती नहीं आपको, मैं बस एक सिंपल सी गांव की लड़की हूँ, और आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे लड़कियां हैं, आपको मिल जाएगी, मुझे जाने दे, मुझे बख्श, ऐसा ना करे, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरी, प्लीज़ ऐसा ना करे, मैं रहम की भीख मांगती हूँ आपसे। ये सुन के दक्ष उसका दोनों हाथ अपने बड़े बड़े हाथ में भर लेता है और कहता है, अरे मैं तुम्हें कैसे माफ़ करूँगा, क्योंकि तुमने तो मेरा दिल चुरा लिया है पहली ही नज़र में, और अब लगने लगा है कि तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊँगा, आई मीन जी तो लूँगा पर रह नहीं पाऊँगा, मुझे तुम चाहिए और तुम्हारा जिस्म दोनों ही चाहिए,
ये बोल के वो मुस्कुराता है। इधर बहुत ज़्यादा डर जाती है सुगंधा। कुछ देर बाद मनसा देवी का मंदिर। सुगंधा दुल्हन की साज सजे बहुत खूबसूरत लग रही थी बला की, और उसके बगल में दक्ष बैठा हुआ था। वो दोनों हवन कुंड के सामने बैठे थे और पंडित डरते डरते मंत्र पढ़ रहा था। पंडित को इतना स्लो मंत्र पढ़ते देख के दक्ष गुस्से के साथ कहता है, अरे वो पंडित, जल्दी जल्दी पढ़ मंत्र, वरना तेरा गला ना काट दूंगा मैं, और इस हवन कुंड में जला दूंगा और कुत्तों को खिला दूंगा, और कहूँगा पंडित जी का रोस्टेड सर खा लो कुत्ते। ये बोल के वो हंसने लगता है। इधर उसकी बात सुन के कांप जाती है सुगंधा। कुछ देर बाद पंडित उन दोनों से कहता है, अब से आप दोनों पति पत्नी हुए, अब सब बड़ों का आशीर्वाद ले लो, और हमारे इस गांव के रीति के अनुसार आज रात दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। ये हमारा रीति रिवाज है, इसे तुम दोनों को ही मानना है, वरना बाद में बहुत ज़्यादा अपशगुन होने वाला है अगर ऐसा नहीं होता तो। ये सुन के सुगंधा की माँ कहती है, ठीक है ठीक है। पर दक्ष गुस्से के साथ चिल्ला के कहता है, अब ये मेरी दुल्हन है, मैं इसे लेके जा रहा हूँ, मुझे ये चाहिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मुझे बस ये चाहिए, मैं जा रहा हूँ। ये सुन के पंडित थोड़ा सा सीरियस होके कहता है, ऐसा नहीं कर सकते, ये तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव में एक पिशाचिनी का साया है, और उसमें होता क्या है, अगर दुल्हा दुल्हन शादी के रात एक साथ रहते एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, तो अगले दिन ही दूल्हे की मौत हो जाती है इस वजह से, तो ऐसा मत करो, और दुल्हन की भी मौत हो जाती है, तो हमारे रीति रिवाजों को मानो। ये सुन के दक्ष कुछ सोच के हाँ कर देता है, वैसे भी क्या ही जाता है, आज तो उसे गांव में ही रहना है, वरना उसके बाकी प्रॉपर्टी का काम कैसे ही होगा, तो इसीलिए वो कुछ नहीं कहता। और एक नज़र खूबसूरत दुल्हन सुगंधा को देखता है और कहता है, जान तुम सही से रहना, कहीं भागने की कोशिश ना करना, 24 घंटे तुम पे नज़र होगा मेरा, समझ रही हो ना, अच्छे से मेरी बात मान के रहो, और कल मैं तुम्हें लेके चला जाऊँगा, और वैसे भी डरने की अब कोई बात नहीं, हम दोनों शादीशुदा हैं और मैं तुम्हारा पति हूँ, तो अब से तुम्हारा फ़र्ज बनता है कि तुम मेरा ख्याल रखो। सुन के ही मज़ा आ रहा है, क्या हो जब मैं तुम्हारे साथ। वो और कुछ बोलने वाला होता है तभी सुगंधा की माँ आके सुगंधा को बाहों में भर लेती है और आंचल से सुगंधा के सर को ढक के कहती है, मैं इसे लेके जा रही हूँ, मेरी बेटी, मैं नहीं चाहता वो पिशाचिनी आके इसके साथ कुछ करे। ये सुन के दक्ष बहुत ज़्यादा हंसता है, कहता है, सच में ये तुम गांव वालों का भी क्या ही है, चलो छोड़ो, जाने दो, मैं जा रहा हूँ। वो जा रहा था तभी पंडित कहता है, देखो बेटे मत जाओ, वो पिशाचिनी तुम्हें ढूंढेगा, तो नई नई शादी हुई है तो तुम्हें घर पे ही रहना चाहिए, बाहर मत जाओ आज के लिए, और ये काला धागा ये मैं तुम्हारे हाथ में बांध रहा हूँ, इससे वो पिशाचिनी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो तुम जाके आराम करो और रात को बाहर मत निकलो, शादी हुआ है तुम दोनों का। कुछ सोच के दक्ष इसके लिए भी तैयार हो जाता है और बॉडीगार्ड्स को देखता है और आँख मार के वहाँ से अपने कमरे की ओर चले जाता है। दूसरी ओर सुगंधा को लेके उसकी माँ घर पे आती है और सुगंधा को बिस्तर पे बिठा के कहती है, मेरी बच्ची तू यहाँ से कहीं भाग जा, मैं पैसे निकाल के देती हूँ, तू अपने सपने पूरे कर लेना, और हमारे बारे में मत सोच, तू मेरी जान है, मेरी औलाद है, मैं किसी भी कीमत पे तुझे उस दरिंदे के हाथ में नहीं सौंप सकती। तो क्या होने वाला है इसके बाद, क्या सुगंधा भाग पाएगी?
और अगर भागी क्या दक्ष उसे पकड़ लेगा, जानने के लिए सुनते रहिए। और मेरे प्यारे लिसनर, आई नो आप सब थोड़े से कंफ्यूज हो जा रहे हो। देखो मेरे इस नॉवल आई मीन ऑडियो बुक का नाम है मॉन्स्टर क्रूअल लव, और जो पॉकेट नॉवल पे है नॉवल उसका नाम है मॉन्स्टर पेनफुल लव। तो आप सब प्लीज़ पॉकेट नॉवल पे जाके मेरे मॉन्स्टर पेनफुल लव नॉवल को सपोर्ट करना, रेटिंग दे देना, और रेटिंग मत गिराना वरना मैं मॉन्स्टर क्रूअल लव यानी कि इस ऑडियो बुक को कंटिन्यू करना बंद कर दूंगी। और पता नहीं वो पॉकेट नॉवल वाले क्या चाहते हैं, बंद कर देंगे मेरे वो वाले नॉवल। तो प्लीज़ आप सब जाके मॉन्स्टर पेनफुल लव को सपोर्ट करना, रीच बढ़ा देना ताकि पॉकेट नॉवल वाले बंद ना कर पाए। अगर बंद कर देते हैं तो मैं कैसे रोमांटिक सीन एक्सप्लेन कर पाऊँ नॉवल में आप सबके लिए। तो रोमांटिक सीन के खातिर जाके सपोर्ट करना। और वो एक फैमिलिज्म नॉवल है, टोन परी बाद में हीरोइन इंसाफ पाएगी। और हमारा हीरो उर्फ विलेन अभी तो हीरोइन को टॉर्चर कर रहा है, पर बाद में हमारी हीरोइन एक नारी सब पे भारी पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है नॉवल का, जाके रीड कर लेना।